का इस्तेमाल। बिहार में हार के बाद बीजेपी में घमासान तेज। पार्टी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने संघ प्रमुख पर फोड़ा हार का ठीकरा। जीटी का बयान, किसी एक बयान से हार जीत नहीं होती तय। आरक्षण पर भागवत ज्ञान को हार की वजह मानने से संघ का इनकार। एमजी वैद्य का सवाल, बीजेपी को क्यों नहीं मिला आरक्षण का फायदा। चुनाव देखकर संघ नहीं देता बयान। जीत से उत्साहित, लालू का पीएम पर हमला जारी। कहा, प्रचार के दौरान मोदी ने घटाई पीएम पद की गरिमा। हार से देश में राहत, नीतीश की अगुवाई में 5 साल चलेगी बिहार सरकार। नोएडा में धनतेरस के दिन सरेआम 29 लाख की लूट। सैलरी के लिए लाई जा रही थी रकम। नोएडा सेक्टर 62 की वारदात। आईसीसी के चेयरमैन पद से श्रीनिवासन की छुट्टी। बीसीसीआई बॉस शशांक मनोहर को मिलेगी कमान। बीसीसीआई की एजीएम का फैसला। चयनकर्ता टीम से रॉजर बिन्नी की भी छुट्टी। और 5 महीने बाद भारतीय बाजार में फिर से आएगी मैगी। नेस्ले का दावा, सेफ है मैगी नूडल्स। आज से मैगी की ऑनलाइन बिक्री शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं चंदन सिंह। बीजेपी में पिछले कुछ वक्त से पनप रहे असंतोष के चलते बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी पार्टी की आक्रामक व्यूहरचना को लेकर आलोचना के घेरे में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब बीजेपी में नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के बड़े नेता अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा, चंदन मित्रा और आरके सिंह ने अब सवाल उठाए हैं। ये तो होना ही था। जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर काफी पहले से ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी होती रही, उसके नतीजे तो सामने आने ही थे। और अब जब नतीजे सामने आए तो एक बार फिर पार्टी नेतृत्व पर अपनों ने ही उंगली उठानी शुरू कर दी है। शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह को छोड़ भी दें तो पार्टी में ऐसे बागियों की संख्या कम नहीं जो बिहार में पार्टी की आक्रामक रणनीति के खिलाफ थे। बिहार की हार ने बीजेपी को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां पर उसकी दबी ढकी कलह उभरने लगी है। अपराजय माने जाने वाली मोदी शाह की जोड़ी अब अपनों के ही सवालों के घेरे में है। जो कलह महीनों से दबी हुई थी अब वो सतह पर आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भले ही कई नेता सीधे सवाल करने का साहस नहीं जुटा पाए, लेकिन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत अपनों के निशाने पर हैं। हाशिए पर पहुंचा गए पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जिन्हें लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सवाल उठाने का मौका मिला है। अपनी ठसकदार बुलंद कड़क आवाज वाले पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की पार्टी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं रही है। पार्टी में लगातार हो रही अपनी उपेक्षा से काफी दिनों से नाराज है। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद पाल रहे थे, नहीं मिली तो इससे भी नाराजगी बढ़ी। पार्टी स्तर पर लगातार उपेक्षा होती रही, लिहाजा पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करते रहे। बिहार चुनाव में कोई भूमिका नहीं मिलने से शत्रु बाबू और भी नाराज हो उठे। बिहार चुनाव के नतीजों ने तो शत्रुघ्न सिन्हा के बगावती सुरों को और भी बुलंद कर दिया। महागठबंधन के नतीजे आए तो पार्टी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। अफसरशाही से नेतागिरी की लाइन में उतरे आरा से बीजेपी सांसद आर के सिंह भी पार्टी से अपनी नाराजगी को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। एंड चुनाव से ठीक पहले और टिकट बंटवारे के वक्त आर के सिंह पार्टी से नाराज हो उठे। आर के सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी में अपराधियों को टिकट बांटे जा रहे हैं। उनका आरोप था कि उन्होंने इस सिलसिले में बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उनके फोन कॉल तक का जवाब नहीं दिया गया। बिहार के मधुबनी से लोकसभा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। हुकुमदेव नारायण यादव अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। बिहार में पार्टी की हार से हुकुमदेव नारायण यादव कम दुखी नहीं हुए। उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और हुकुमदेव ने बिहार की हार के लिए भागवत के आरक्षण वाले बयान को जिम्मेदार ठहरा दिया। वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी पार्टी से लंबे अरसे से नाराज चल रहे हैं। पार्टी के खिलाफ तमाम मंचों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बिहार चुनाव में हार ने शौरी को एक और मौका दे दिया और उन्होंने हार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली की तिकड़ी को जिम्मेदार ठहरा दिया।
शौरी ने कहा कि इस वक्त बीजेपी का मतलब सिर्फ मोदी, शाह और जेटली है। बिहार में हार बीजेपी के चेहरे पर करारा थप्पड़ है। शौरी पहले भी मोदी सरकार की कार्यशैली पर उंगली उठा चुके हैं। पार्टी में बगावत करने वाले नेताओं में पत्रकार से राज्यसभा सांसद बने चंदन मित्रा भी एक हैं। चंदन मित्रा ने अपनी ही पार्टी को हार के लिए सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। चंदन मित्रा ने कहा, नीतीश कुमार और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष की तुलना कुछ इस तरह की, ऐसा लगता है कि मृदुभाषी नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला सफल रहा, जबकि वोटरों ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के शोर शराबे वाले बीजेपी के कैंपेन को खारिज कर दिया। जाति से जाति की बराबरी करने की कोशिश में बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपने आकलन में गलती की। बिहार में हार के बाद पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों में और भी कई नेता शामिल हैं, लेकिन कोई सामने से वार कर रहा तो कोई पर्दे के पीछे रहकर अपनी नाखुशी जता रहा। फिलहाल बगावत की बीज पड़ चुकी है, अंकुर फूटेगी तो पेड़ तो देर सवेर निकलेगा ही। अमित कुमार सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। बिहार में अपनी पार्टी की हार पर मन ही मन जश्न मना रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने अब खुलकर बगावती रुख अपना लिया है। वैसे तो बिहारी बाबू चुनाव के दौरान ही पार्टी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन बिहार में हुई करारी शिकस्त ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का सुनहरा मौका दे दिया। बिहार में विजयी पताका फहराने वाले लालू नीतीश और हार का स्वाद चखने वाली पार्टी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की ये तस्वीरें देखकर बीजेपी कतई खुश नहीं हुई होगी। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को जैसे ही लगा कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना रही है, नतीजे घोषित होने के दूसरे दिन ही शत्रुघ्न सिन्हा पहुंच गए नीतीश कुमार के घर। हार के लिए बीजेपी को चिढ़ाया और नीतीश को बधाई दी। जी हाँ, मुलाकात कर रहा हूँ, उनको बधाई देने आया हूँ। बिहार के फिर से मुखिया चुने गए हैं, मैं पटना साहब का सांसद होने के नाते हमारे साथ हैं अपने पवन वर्मा जी, जो बहुत बड़े वरिष्ठ अभूतपूर्व फॉरेन सर्विस के और ज्ञाता गुणी और साथ में जेडीयू के बहुत बड़े नेता के साथ में है। मामला नीतीश तक था तब तक ठीक था, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के दुश्मन नंबर वन लालू दरबार में भी हाजिरी लगाए। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू को गले लगाकर बधाई दी। लगे हाथ उन्होंने नीतीश की तारीफ में जमकर कसीदे भी पढ़ डाले। जनता का भरपूर समर्थन, जनता का प्यार, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में और खासकर बिहार की प्रगति के मामले में, सुशासन के मामले में नीतीश बाबू का बहुत जबरदस्त योगदान रहा है। नीतीश बाबू जो हैं ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, इसलिए और इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही। ये तो तय है कि देर सवेर शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी कार्रवाई करेगी ही। पार्टी के अंदर इस पर मंथन भी चल रहा है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा इससे बिल्कुल बेफिक्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो शौक से करे। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुझे लगे या एहसास हो कि मुझ पर कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो मैं तो हाथ पकड़ के रोक नहीं सकता हूं। जब तक पार्टी में हूं, पार्टी का आदेश मेरे लिए अध्यादेश है। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर दोहराया, पार्टी की बिहार में हार हुई है तो इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, उन्हें सबक मिलना चाहिए। खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, टेकन टू टास्क होना चाहिए या लोगों को लेसन मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा आरके सिंह ने भी कहा है, बिहार के जो फॉर्मर होम कमिश्नर, होम सेक्रेटरी रह चुके हैं और हमारे नेता हैं बिहार के, उन्होंने भी कहा है कि इसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो ना हो, उन्हें सबक जरूर मिलना चाहिए। रविवार को जैसे ही बीजेपी के खिलाफ नतीजे आने लगे, वैसे ही पार्टी के महासचिव पी मुरलीधर राव ने कहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा और आर के सिंह जैसे नेताओं ने धोखा दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारे कार्यकर्ता एक तरफ लगे थे और पार्टी के हितों को एक प्रकार से
नुकसान पहुंचाने वाला काम इन लोगों ने जिस प्रकार से किया है, तो उससे मेरा मानना है कि किसी एक मुद्दे पर कि उनके मन में कोई कुछ लगता है या कुछ रहता है तो वो बातें रह सकती थी, किंतु जिस प्रकार से चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में, एक प्रकार से युद्ध के मैदान में कार्यकर्ताओं के मेहनत के साथ उन्होंने जो एक प्रकार से विश्वास तोड़ा है, तो वो बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं हो सकता। शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह लगातार पार्टी विरोधी बयान देते रहे हैं। ऐसे में चुनाव में मिली हार की एक वजह इन दोनों को भी बताया जा रहा है। जाहिर है कार्रवाई का संकेत पाते ही शत्रुघ्न सिन्हा विरोधी खेमे में पूरी तरह जा पहुंचे हैं, बस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी की कड़ी पराजय के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पटना पहुंचे। पहुंचने के बाद पुराने साथी नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर लालू प्रसाद से मुलाकात की और दोनों नेताओं को उन्होंने अपने तरफ से ग्रीट भी किया, बधाइयां दी और इस बड़े जीत के लिए भी उनके सर पे सेहरा बांधा। पटना से कैमरामैन राजेश के साथ विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया के लिए। शत्रुघ्न सिन्हा भले ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं लेकिन संघ प्रमुख को उन्होंने सलाम किया। हम आपको सुनवाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने किस तरह नीतीश को बधाई दी, अमित शाह पर चुटकी ली और संघ प्रमुख को सलाम किया। अब ये तो कभी आता है कि मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूँ, कभी आता मैं किसी और पार्टी में, आज तक तो इसी पार्टी में हूँ और जम के टिका हुआ इस पार्टी में, और मेरी दोस्ती को किसी और तरीके से देखना ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल बगैर किसी अभिप्राय के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के मैं मिलता हूँ इन लोगों से, दोस्ती निभाता हूँ, ये हमसे निभाते हैं। नीतीश बाबू ने हमें प्राइड ऑफ बिहार कहा, एक बार नहीं कितनी बार कहा, मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूँ। लालू यादव से हमारी बहुत सुख दुख की दोस्ती रही है, वो हमारे घर आते रहे, मैं उनके घर जाता रहा हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। मोहन भागवत जी हम लोग के गॉड फादर या फादर फिगर हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम तमाम लोगों के बहुत विद्वान हैं, बहुत परम विद्वान हैं, हम उनकी बहुत कदर करते हैं। और मैं इतना भी नहीं अकलमंद हूँ, इतना भी बड़ा नहीं हूँ, इतना भी बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं मोहन भागवत की बातों पर कोई टीका टिप्पणी कर सकूँ। मोदी जी के तो मैं समझता हूँ उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा की वजह से, और उन्होंने इतनी कैंपेनिंग की जो मेरा अपना ख्याल है कि इतना शायद नहीं हमें करवाना चाहिए था, इतना परेशान नहीं करना चाहिए था, उनके बोझ को हम लोग को बांटना चाहिए था। ऐसे तो पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि टीम को जाएगा ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, कप्तान यानी इस वक्त मैं टीम का जिक्र कर रहा हूँ जो लोग इसका संचालन कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन किसी का नाम लेना अब उचित नहीं होगा, चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा अगर मोदी जी ने का चुनाव प्रचार का जो घमासान प्रचार किया उसका एक दूसरा पहलू भी है, अगर इतना नहीं करते वो तो शायद जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई वो भी नहीं आती। तो शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर बगावती रुख अपना लिया है और एक के बाद एक जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर इनडायरेक्ट तरीके से निशाना साध रहे हैं, ऐसे में यह माना जा रहा है कि उन पर कार्रवाई लगभग तय है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे किस तरह कार्रवाई से पहले जुबानी बदजुबानी शुरू हो गई है, शत्रुघ्न सिन्हा पर को किस तरह से हमला बोला गया है बीजेपी नेताओं की तरफ से, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। कितना अत्याचार, बिन वेतन सब सू, दिल्ली में जानलेवा बिल्डिंग, जवाब दो सरकार, रात 8:30 पर। शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहार के गौरव हैं। नीतीश बाबू के मुखिया के तौर पे बिहार में आज स्थापित होने पे बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, उनको बधाई। सच हुई भविष्यवाणी, लाइव इंडिया पर पंडित राजकुमार शर्मा जी ने की थी भविष्यवाणी। 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों के माध्यम से नीतीश कुमार जो हैं पुनः बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। नीतीश की जीत की भविष्यवाणी। सभी भाइयों और बहनों को लाइव इंडिया, मी मराठी और समृद्ध जीवन परिवार के तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। खुल के
के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या रेगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। Introducing two new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. खुशियाँ मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में जो बीजेपी की हार हुई है, इसके पीछे बड़ी वजह मानी जा रही है कि नेताओं की जो बेलगाम बयानबाजी रही, लेकिन पार्टी के नेता हैं कि इससे सबक लेने को तैयार नहीं है। पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अब एक बार फिर से जुबान खोली है और मर्यादा तोड़ते हुए बयान दिया है, अपने सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर दी है। विजयवर्गीय के इस बयान पर जहां जेटली ने विवादित बयान देने वालों को चुप रहने की नसीहत दी, वहीं विरोधियों ने बीजेपी पर निशाना साधा। बिहार में करारे शिकस्त के बाद भी बीजेपी नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही। विवादित बयानों से कई बार पार्टी की किरकिरी करा चुके पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जुबान इस बार शत्रुघ्न सिन्हा पर चली। कैलाश विजयवर्गीय ने शत्रुघ्न सिन्हा की तुलना कुत्ते से कर डाली। विजयवर्गीय ने कहा, जब कुत्ता गाड़ी के साथ चलता है तो उसे लगता है कि गाड़ी उसकी वजह से चल रही है, लेकिन गाड़ी को चलाने के लिए कुत्ते की जरूरत नहीं होती। ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है कुत्ता नीचे चलता है, कुत्ता समझता है गाड़ी मेरे भरोसे चल रही है। तो ये पार्टी कोई एक व्यक्ति के भरोसे नहीं चलती है, पूरा संगठन है और यहाँ पर एक बड़ी श्रृंखला है। तो चूँकि हार गए तो वो सब लोग जो मौन व्रत में बैठे थे वो बोलने लगे, और जो धड़बे में गुस्से हुए थे उनके आवाज़ मुखरता से आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर जब वित्त मंत्री अरुण जेटली से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेवजह बयानबाजी करने वाले ऐसे नेताओं को नसीहत दी। देखिए, मैंने तो ये बयान देखा नहीं है, लेकिन पार्टी के सब नेता शालीनता की भाषा रखें, यही सबसे अपेक्षा है। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान से विरोधियों को मौका मिल गया। कांग्रेस ने तो बीजेपी को उन पुराने दिनों की याद भी दिलाई जब मोदी समेत पार्टी नेताओं ने अपने बयानों में कुत्ते का जिक्र किया था। कांग्रेस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पहले उनके नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक धर्म विशेष के लोगों की तुलना कुत्ते से कर दी, फिर उनके जो एक मंत्री हैं वीके सिंह जी ने, उन्होंने एक वर्ग विशेष एक समाज विशेष की तुलना कुत्ते से कर दी। अब तो हद हो गई कि अपने पार्टी के नेताओं की तुलना कुत्ते से लोग करने लगे हैं, वो भी शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े नेता और बड़े व्यक्तित्व के और शालीन व्यक्तित्व के आदमी को। पहले तो मैं समझता था विपक्ष को कुत्ते ही बोलते हैं, अब ये आपस में कुत्ता आपस में बोलने लग गया, तो ये भाषा तो इनको सुधारना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जवाब बिहार से तो आ तो चुका है, आगे जाकर आसाम से भी सुनना पड़ेगा, केरल में और भी स्टेट्स हैं, पंजाब, यहाँ सब इनको ये कुत्ते प्रेमियों को लोग बता देंगे कि कुत्ता का नाम भी सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी एक प्राणी है। वैसे बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग तेज हो उठी है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह जैसे बागियों के खिलाफ नजर आई। मैं मानती हूँ कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पर बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए, और पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। हमारी पार्टी में सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, इन सब चीजों को देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई सुझाव देने की जरूरत है।
बिहार में मिली करारी हार पर बीजेपी ने महामंथन जरूर किया, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली की माने तो बागियों को लेकर बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। उल्टे उन्होंने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों से कह डाला, ऐसे लोगों की तलाश में तो आप ही रहते हो। देखिए, किसी कार्रवाई की कोई चर्चा नहीं हुई। मैं तो हमेशा आप मित्रों से कहता हूं कि आप भी ऐसे साथियों की तलाश में रहते हो और आपके कैमरे का भी उनके प्रति विशेष आकर्षण रहता है। भले ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक में शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह जैसे बागियों पर कोई चर्चा नहीं हुई हो, लेकिन जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी के खिलाफ मुखर रवैया अपना लिया है, उससे तय है कि देर सवेर पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगी। विकास चंद्रा के साथ अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर बागियों की लिस्ट में और कौन कौन से नेता शुमार हैं। कितना अत्याचार। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। कुछ दर्द सिखाने में भी होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI प्रोजेक्ट, adjacent to F1 बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। कंस्ट्रक्शन इज इन फुल स्विंग। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स, मोर लाइफ मोर स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि श्री शत्रुघ्न सिन्हा कब कब बागी हुए, कब उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दिया और पार्टी की किरकिरी करवाई। 23 जुलाई 2013 उन्होंने कहा कि मोदी को पीएम बनाने के लिए आडवाणी को किनारे लगाया जा रहा है। आडवाणी की काबिलियत के चलते एनडीए में स्वीकार्यता ज्यादा है। जुलाई 2015 को पीएम की बिहार यात्रा के कुछ समय बाद ही नीतीश से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, नीतीश कुमार को बताया बेस्ट सीएम। वहीं लालू यादव के 68वें जन्मदिन पर उनके घर पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा, तारीख थी 11 जून 2015। कहा मुलाकात सिर्फ बधाई देने के लिए हुई। अप्रैल 2015 पटना में अमित शाह की रैली के दौरान नाराज हुए शत्रुघ्न सिन्हा। रैली में देरी से न्योता मिलने पर नाराज होकर दिल्ली चले गए। वहीं 5 फरवरी 2015 शत्रुघ्न ने इशारों में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, कहा अगर पार्टी दिल्ली में हार जाती है तो जिम्मेदारी कप्तान की। यही बात उन्होंने अब बिहार इलेक्शन के नतीजों के बाद भी दोहराई है। फरवरी में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आपका बूम बूम हो रहा है। वहीं 9 सितंबर 2015 पे को उन्होंने कहा कि स्पेशल पैकेज की घोषणा जिस तरह से पीएम ने की है वो अंदाज गलत था। कहा पीएम इस स्पेशल पैकेज की घोषणा किसी और तरीके से भी कर सकते थे। वहीं 22 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डीएनए वाले बयान का भी विरोध शत्रुघ्न सिन्हा ने किया। कहा पीएम को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। 8 नवंबर यानी
नतीजों वाले दिन बिहार चुनाव में महागठबंधन को जीत पर बधाई दी, कहा ऐसा लगता है बिहारी बनाम बाहरी का मुद्दा सुलझ गया। असंतुष्टों की फेहरिस्त में शत्रुघ्न सिन्हा अकेले नहीं है। जिस वक्त बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे थे उसी वक्त आरा से बीजेपी सांसद आरके सिंह ने एक बार फिर पार्टी के खिलाफ तल्खी दिखाई। उन्होंने हार के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की, तो वहीं दूसरी ओर मधुबनी से बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने भागवत पर सीधा हमला बोल डाला। हुकुमदेव नारायण ने कहा कि आरक्षण पर संघ प्रमुख के बयान से दलितों और पिछड़ों में अविश्वास फैला, लेकिन पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बगावती रुख को हार की वजह से मानने से भी उन्होंने इनकार किया। देखिए, लोकल चेहरा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि जबकि स्टेट का इलेक्शन होता है तो लोग लोकल चेहरे को देखती है, आप किस प्रकार के नेताओं को आगे किए हैं उसको देखती है, क्योंकि वो जानती है कि हाँ साहब सोद मोदी जी तो वहां मुख्यमंत्री बनने नहीं जाएंगे, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। बट इन एनी केस, जैसे कि हमने कहा, ये तो एनालिसिस की बात है, एनालिसिस होगी तब उसके बाद। पिछड़े वर्ग के बीच में, समाज के बीच में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार कह रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो एक विश्वास पैदा हो गया है देश में कि भारतीय जनता पार्टी वही करेगी जो संघ कहेगा, और संघ प्रमुख ने कह दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि खत्म करना, उन्होंने कहा कि समीक्षा होनी है। समीक्षा का मतलब उन्होंने समझा कि समीक्षा की क्यों क्यों किस बात के लिए। अब ये लोग सफाई देते थे तो उनको था कि नहीं नहीं नहीं, ये लोग झूठ कह रहे हैं, क्योंकि संघ ने कह दिया है भारतीय जनता पार्टी संघ का गुलाम है, उसको मानना पड़ेगा। तो जाहिर है बगावत के सुर हार के बाद तेज होना लाजमी है, अन्य पार्टियों में भी ऐसा होता है, लेकिन जो सवाल इन असंतुष्ट नेताओं ने उठाए हैं वो भी उतने ही जरूरी हैं और कहीं ना कहीं सही जरूर है। अब देखना है कि बीजेपी इन पर कार्रवाई करती है या इन मुद्दों को सुलझाने के लिए इनसे बातचीत करेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं। कितना अत्याचार, बिन वेतन सब सूट, दिल्ली में जानलेवा बिल्डिंग, जवाब दो सरकार, रात 8:30 पर। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी ना खुलने वाला रहस्य। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। अंकुर नमक, असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।
बिहार में हार पर बोले जेटली, वोटों का गणित समझने में हुई गलती, विरोधी एकजुट होकर लड़े इसलिए हम हारे। अमित शाह का किया बचाव, कहा जीत हार की सामूहिक जिम्मेदारी, पार्टी नेताओं ने कहा संभल कर खोले जुबान। बीजेपी में बगावती सुर के साथ शत्रुघ्न ने की नीतीश और लालू से मुलाकात, कहा